चमोली ग्लेशियर हादसे से जुड़ी बड़ी और अहम खबर मिल रही है। मामले में एसडीआरएफ के डीआईजी का बयान सामने आया है। रैणी गांव से ऊपर पानी जमा होने की खबर सामने आई है। एसडीआरएफ की एक टीम रवाना कर दी गई है। ये बयान सामने आया और आगे ये भी कहा है कि जमा पानी को निकालने की कार्यवाही होगी, सभी एजेंसी कर रही है काम। तो चमोली ग्लेशियर हादसे से जुड़ी अहम जानकारी मिल रही है। बता दें पानी जमा हो गया है। मामले में एसडीआरएफ के डीआईजी का ये बड़ा बयान सामने आया। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि रैणी गांव से ऊपर पानी जमा होने की खबर है, जहां एक टुकड़ी भेज दी गई है। एसडीआरएफ की एक टीम रवाना हो गई है। ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि तपोवन के पास ऊपर रैणी गांव से ऊपर कुछ पानी अक्यूमुलेट हो रहा है। काफी एरियल रेकीज की गई हैं ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, वहां से भी यही खबर प्राप्त हुई है। इसको देखते हुए एसडीआरएफ की एक 8 मेंबर टीम को आज रवाना किया गया है। वो ऑन फुट गए हैं और उस एरिया में जाकर असेस करेंगे कि क्या स्थिति है और तभी आगे हम लोग किसी भी कार्रवाई को अंजाम दे सकेंगे। जब तक कि क्लियर सिचुएशन ना मिले, मैं यही कहूंगी कि पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है, सब चीजें अंडर कंट्रोल हैं। और एक बार एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच जाती है तो और हमारे पास क्लैरिटी हो जाएगी और उसी हिसाब से फिर आगे का एक्शन डिसाइड किया जाएगा। पैंग गांव से आगे ये दिखाई दे रही है, बेसिकली जो पानी वहां पर ब्लॉक हो गया है किसी तरीके से, उस पानी को हम लोग कैसे ब्रीच करेंगे, उसको कैसे निकाला जा सकता है, इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। देखिए सभी एजेंसीज अभी इसके रिसर्च में लगी हैं कि क्या है स्थिति वहाँ पर, कैसे उसमें एक्शन प्लान किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस सभी एजेंसीज हमारे साथ इसमें जुड़ी हैं। एसडीआरएफ द्वारा वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँच कर क्लियर जब सिचुएशन बताई जाएगी, उसके पश्चात ही कोई कार्रवाई प्लान की जा सकती है।